आज खुश तो बहुत हो गया तुम, क्योंकि भैया खुशी की बात है आस्क रेडियो चिनार का एक और एपिसोड लेकर हम सब हाजिर है। वैसे धीरे धीरे सब दिखाई नहीं है, फिलहाल ओपनिंग में आपको बता दूं कि आस्क रेडियो चिनार का एपिसोड 2 और आस्क रेडियो चिनार जहां पर आपके सवालों का जवाब दिया जाता है, क्योंकि बंधु हर सवाल का एक जवाब होता है और उन्हीं सवालों का जवाब लेकर आज टीम रेडियो चिनार आपके स्क्रीन पर हाजिर है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आराम से बैठिए डोड़ू जस्ट चिल, क्योंकि आज के सवाल कुछ अतरंगे, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ टेढ़े, कुछ मेढ़े, कुछ सीधे से सवाल है। और पहला सवाल आसिफ रशीद ने हम सब से पूछा, मतलब रेडियो चैनल की पूरी टीम से पूछा है कि अगर आप आरजेज नहीं होते तो क्या होते, मतलब अगर आरजे होता नहीं होता तो क्या होता, मतलब साहिल अगर आप आरजे नहीं होते तो क्या होते। गाने का शौक मुझे बचपन से था, एंड आई फील समटाइम्स कि अगर मैं माइक के पीछे आरजे नहीं होता तो शायद प्लेबैक सिंगर होता। मेरी तरह सुरीली आवाज के मालिक है साहिल। दीवा, अगर आरजे नहीं होती तो क्या होती? अगर मैं आरजे नहीं होती तो आरजे ही होती, क्योंकि आरजे ही बनना था मुझे बचपन से। मतलब सटीक सवाल का सटीक जवाब, और समानिया की तरफ कैमरा पैन हो रहा है। समानिया, आरजे मैं आरजे नहीं होती तो मैं प्रोफेशनल नैप टेकर होती। मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे सोना पसंद है, लेकिन उसके अलावा मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में डेफिनेटली अप्लाई करती। क्या बच्चों की टीचर, वाह। और अगर मैं आरजी नहीं होता तो डेफिनेटली एक फोटोग्राफर होता, बिकॉज आई हैव दैट लव फॉर कैमराज, और मैं अपनी घनी जुल्फे लहराता हुआ फोटो कहीं खींच रहा होता। और आसिफ तुमसे भी सवाल है, इधर आ जाओ मेरे पास, मेरे लाल, मेरे पीले। और आसिफ आज कूल लग रहा है इस लाल स्वेटर में। अच्छा आसिफ, अगर तुम कैमरा मैन नहीं होते तो क्या होते? सवाल थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मैंने। अगर मैं कैमरा मैन नहीं होता तो बेसिकली मैं एक जर्नलिस्ट होता, क्योंकि मेरी डिग्री भी जर्नलिज्म है। okay. तो मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होता। इस बंदे का प्रोफेशन आ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है, ये एक और सवाल है जो पूरी टीम से पूछा गया है। तो टीम मुलाहिजा फरमाए कि सवाल है कि What are your salaries? So, Samania, what is your salary? बताओ, कुछ बोरी चक्कर नहीं होगा, tell him. मैं आपके, आप लोग के साथ अपनी सैलरी डिस्क्लोज करूँ, ये वैसा है ना यूनिकॉर्न पकड़ने के जैसा, दैट्स लाइक इम्पॉसिबल है, सो ये मिस्ट्री है, बट अल्हम्दुलिल्लाह। ओके दीवा, व्हाट्स योर सैलरी? जावेद ने पूछा, जावेद फारूक ने। हाँ, मेरी सैलरी 50, क्यों बताओ, ओन लाइफ ओन सैलरी और ऐसी तो साहिल, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पूछूं, मतलब आप शायरी के बारे में बताएं, मैं एक सवाल जो है उछल कूद कर रहा है दिल में कि क्या लगता है आपको जावेद फारूक ने ये सवाल क्यों पूछा होगा, लाइक ही वांट्स टू जॉइन द टीम और आई मीन के तला बहुस्तान का कोता टीम ने वहां। एक्चुअली ये सवाल ऐसा होगा कि नेशन वांट्स टू नो, जावेद शायद ये सोच रहे होंगे कि सबकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा कट उसके अकाउंट में मंथली जाए तो प्रोबेबली उनका अकाउंट ना वो फला फूला रहेगा। और उनको मैं बताऊँ कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लड़की से उसकी उम्र और लड़के से उसकी सैलरी नहीं पूछा करते। वाह, ये होता है हर बॉल पे सिक्स। एंड नेक्स्ट सवाल जो हमसे पूछा गया है, दैट्स फ्रॉम कनत आरेक, उन्होंने मुझसे पूछा है कि ज्यूस इतनी जोकरी क्यों करते हैं, मतलब क्यों करता हूँ मैं जोकरी, मतलब क्या मन, मतलब इसको लगता है ये तो आसवन गेंदवन आसान गेंदान सही बाय डिफॉल्ट, इस बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में हंसता ही रहता हूँ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर खान दीबा से पूछते हैं, हाय हाय, मतलब शर्मा गई मैं, आय हाय, इट इज लाइक आई लव आर जे दीबा And wanna meet her once. तो दीबा, tell him कि समीर लोन, समीर से बताया आप कि he loves you and he wants to meet you. Answer him. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो फैन से प्यार देते हैं और आपकी वजह से। दीबा इतनी सीरियस हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश लीला ही करम। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। रही बात मिलने की, ज़रूर जब भी कोई ऐसा मीटअप होगा रेडियो चुनाव पे आपको भी ज़रूर बुलाएंगे यहाँ पे। रेडियो चिनार का फैंस मीटअप, फैंस मीटअप, हाँ फैन बना चुकी है दीपा। अगला सवाल जो है हमारे सिनेमाटोग्राफर जो इस टाइम कैमरा के पीछे है, कैमरा के आगे आ जाए, क्योंकि अगला सवाल आपसे है। और सवाल है आसिफ रतर से, असमत जान ने पूछा है, व्हाट चैलेंज हैव यू फेस्ड इन योर करियर एंड हाउ यू overcome them? आसिफ अगली आवाज आपकी आई, और क्या पूछा है, मतलब क्या
أمس تہِ ما چھِ اِنگلِش تَران کیریرَس منٛز کۭتیاہ غم تہٕ تکلیٖف چھِ تہٕ کِتھ کٔنۍ اکھ چھِ تِمن مطلب ہاو یوٗ اوٚورکَم دِم کیسے اُنہِ پار کیا کیسے اُن سے لڑے ڈِشُم ڈِشُم وغیرہ देखिए जूस और असमत जान आप भी चैलेंज हर हम भी देख रहे हैं आप भी देखिए सर हर किसी की लाइफ में चैलेंज होते हैं अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं मेरी भी लाइफ में चैलेंज आए थे बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे लेकिन उनको टैकल करने के लिए आपके पास एक स्ट्रांग बैकग्राउंड होना चाहिए आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैमिली है वो ऑलवेज एट द बैक रही है मेरे और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरे जो चैलेंज है उनको टैकल करने में फिर इजी हो गया मतलब बॉडी देख रहे भाई चैलेंज उखड़ गए लेकिन बॉडी नहीं है आज तक सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो अगला सवाल है दैट्स फ्रॉम माजिद परे इन्होंने लिखा है कि माय डॉटर इज इन LKG एंड वांट टू बिकम RJ और ज्यूस की तरह RJ बनना चाहती है वो ज्यूस से मिलना चाहती है शी विल बी हैप्पी बच्चों के लिए आई एम ऑलवेज हेयर आप जब हुक्म करें यू कैन कम एंड मीट और LKG में पढ़ती है तो हमारी जो बांझी है भतीजी है कभी भी हमसे मिल सकती है एंड मसरत जान ने सवाल पूछा है साहिल से साहिल व्हाट मेक्स रेडियो चिनार स्पेशल रेडियो चिनार सबसे अलग है ऐसा क्यों RJ साहिल जवाब दे RJ साहिल जवाब दीजिए रेडियो चिनार की जो स्ट्रेंथ है आई बिलीव इट्स द टीम ऑफ रेडियो चिनार इट्स फ्रॉम द बॉस Everyone here, you know, working his day in and day out to make this station, you know, the best. Or I'm proud of them all. I love you all. We love you too, sir. तालियां, तालियां, जोरदार तालियां. और अगला सवाल है मसरत जान की तरफ से और मैंने सॉरी मसरत जान के बाद जो अगला सवाल है दैट्स फ्रॉम बट हाफी हाफी जी ने सवाल पूछा है तो हाफी जी लिखती है RJ दीवा के लिए कि हाफी जी ने कहा है अल्लाह ताला करने असलुक हिदायत बेकर नहीं اصلچ وت دینے مطلب لائک یہ چھ دعائے خیر ووتمت دیبا جی نے خاطر ساری کرن آمین علی زبابا نے سمانیا سے سوال پوچھا سمانیا ہاؤ یو ٹرانسفارم سو ویل پلیز ٹیل اس دی سیکرٹ مطلب واو کیسے بن گئی سمانیا इट्स क्वाइट सिंपल मैंने ना वो मैजिकल डस्ट नहीं होता है वो मैंने खुद पे स्प्रिंकल किया एंड वाला इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट किडिंग इट्स ऑल अबाउट यू नो अपनी केयर करना मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का और क्लीन एंड हेल्दी फूड जो है वही खाइए बाकी खुद से प्यार कीजिए आप ग्लो करेंगे क्या बात है क्या बात क्या बात जो सवाल है इट्स फ्रॉम शहनाज रशीद एक राइटर है फ्रॉम सोपोर और कश्मीरी लिखते हैं ऐसा लिखते हैं कि खुद ही खुद मुंह से वाह 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 निकल के आता है शहनाज रशीद ने सवाल पूछा है RJ साहिल से साहिल शहनाज साहब लिखते हैं कि रेडियो चिनार इज नॉट ओनली बेस्ट ऑफ कश्मीर बट यू प्ले अ वेरी मेजर रोल फॉर सोपोर एज वेल आई लव यू शहनाज साहब अगर आप अभी देख रहे हैं तो आई मस्ट से कि आई लव यू टू बिकॉज इनकी शायरी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अगर हम कश्मीरी शायरी की बात करें आज की डेट में इनको कश्मीरी शायरी का रसूल मीर कहा जाता है और इनके कलम में इनके अल्फाजों में जो ताकत है और जो असर है यकीनन वो किसी भी लिटरेचर लवर के दिल में उतर जाता है इन्होंने हमारी तारीफ़ की ये मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एज़ ए टीम एंड शहनाज साहब ऐसे ही आप नज़र बनाए रखिए और हमें ये प्यार भेजते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आप कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं या बाकी जो लिसनर्स हैं उन पे हम पूरा उतरेंगे एंड आई मस्ट से कि एज अ टीम वी लव यू कि क्योंकि आपके कलम में वो ताकत है आपके अल्फाजों में वो असर है जो यकीनन दिल में घर कर जाते हैं थैंक यू सो मच वाओ गॉड ब्लेस यू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मुश्ताक लोन ये थोड़ा सा सार्कास्टिक है एंड पूरी टीम से इन्होंने पूछा है कि गली गली से फिरता है मतलब गली गली से RJ निकलते हैं तो इसकी क्या वजह है मतलब क्या वजह हो सकती है गली गली से RJ निकलते हैं मुझे भी देखना है उस गली को जहाँ से RJ निकलते हैं वैसे मैं तो माजबू की गली से निकलता हूँ आप कौन सी गली से निकलते हैं सो साहिल व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दिस देखिए जूस हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दे फील कि बीइंग बिहाइंड द माइक्रोफोन इज समथिंग विच इज़ वेरी इजी और उनको लगता है कि 2-3 घंटे बात करनी है व्हाट्स द बिग डील एंड प्रोबेबली आज की डेट में जो रेडियो फिर से रीबर्थ हो रही है इवॉल्व हो रहा है इट्स नॉट ओनली इन सोपोर और कश्मीर अक्रॉस द वर्ल्ड लॉट ऑफ रेडियो स्टेशन आर कमिंग एंड एट द एंड ऑफ द डे
वहाँ पे वो टैलेंटेड लोग आ जाते हैं right. जिनकी आवाज में दम होता है hmm. और अगर हम अपनी टीम की बात करें, जब इस टीम का ऑडिशन हुआ था hmm. तो 500-600 लोग ऑडिशन में आए थे और उनमें से बेस्ट 5 वी आर वर्किंग हियर एंड वी आर प्राउड आरजेस. सुना मुजदार साहब, मतलब गली गली से आरजे नहीं निकलते, बहुत ही मेहनत मशक्कत ऑडिशन लेवल बाय लेवल होता है, उसके बाद आवाज का अलग, कंटेंट का अलग, आप क्या बोलते हैं उसका अलग, एंड इट्स मल्टीटास्किंग. और ये जो यहाँ पर दिग्गज दो बैठे हैं ना, मतलब दो दो सुपुत्रियाँ, रेडियो चिनार की यंगेस्ट आरजे एंड क्यूटेस्ट आरजे, और आरजे बनना सबके बस की नहीं है. सो गली गली से आरजे निकलते हैं, बोलना आसान है बट अगर हम लॉजिकली देखें तो बहुत ही मुश्किल है. और अगला जो सवाल है, आसिफ रजी रेडी ऑनर रेडी, मतलब सवाल इतना कठिन है मैं तुम फंब लगा सुन. सो इट्स फ्रॉम बाजला फ्रॉम कुलगाम, और बाजला ने लिखा है बाजला लिखती है आसिफ व्हेन यू आर गोइंग टू जिम, मतलब बॉडी बाजलास वर्ड नॉट माइन, सो सरेंडर, नो ऑफेंसेस, नो ऑफेंसेस. सो मुझे बताओ आसिफ के बाजला ने जो पूछा है, मेरा भी वही सवाल है, बुत्थों को सिम समझ में, जिम आ जा, जिम आ जा, नहीं आता, इधर आ जा, आप हॉट सीट पर बैठ, नहीं आप बैठ प्लीज प्लीज. ओके, सो टेल टेल अस कब 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 आ रहे हो जिम? जिम तो मैं 2 तारीख को जाऊंगा. लेकिन कौन सी 2 तारीख? हर महीने में 2 तारीख तो होती ही है. फ्रेंड्स, विद दिस क्वेश्चन इट्स एंड फॉर द सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर एंजॉय किया होगा. एंड साहिल, व्हाट्स योर कंक्लूडिंग मैसेज आज के एपिसोड की? इट वॉज फुल ऑफ फन, और ऐसे जो क्वेश्चंस है ना जब हम तक पहुंचते हैं ना लिसनर्स के, तो डेफिनेटली यू नो हमारा दिन बन जाता है. यू नो नो ऑफेंसेस, जिसके मन में जो भी सवाल है आप बिला किसी रोक टोक के पूछ सकते हैं. right. हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, हमारा जो ऑफिशियल फ़ोन नंबर है उस पे, व्हाट्सएप पे, हमारे जो ईमेल आईडी है उस पे भेज सकते हैं. यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ रेडियो चिनार एंड वी लव टू टेक क्वेश्चन. यू नो इसमें अगर आपको लगता है कि हमारी टीम को कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यू नो विल टेक इट. अगर आपको लगता है कि हमें क्रिटिसाइज करना है, सो यू नो इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस. सोशल मीडिया इज फॉर एवरीवन, बट आई एम प्राउड ऑफ माय टीम. हमारी जो दिग्गज टीम है यहाँ पे, दे आर रेडी, और आप वहाँ से बस पूछिए पूछना क्या है, जवाब देना हम सबका काम है. सो विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आस्क रेडियो चिनार. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रेडियो चिनार को प्यार देते रहिए, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है जो कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर सरफेस होना चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर आता रहता है, अभी भी आ रहा है. सो यू कैन पिंग द नंबर, आप अपना पोर्टफोलियो जो है हमें सेंड करें, और डेफिनेटली इफ इट्स अप्रूव्ड, इफ इट्स डन, इफ You think you can be here on the hot seat with us, you're most welcome. Bas profile bhejne ki der hai. So this is Team Radio Chinar, and ijazat le le. मतलब साहिल साहिल कुछ कहना चाहता है, कैमरा पैन कर, बॉस इज ऑलवेज राइट, उधर घुमाओ उधर. एक एक इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो किसी भी वीडियो पे कमेंट करने के लिए बेचैन रहते हैं और एट टाइम्स क्रिटिसाइज करते हैं. वी आर ओपन फॉर इट, और खासकर जो ट्रोलर्स हैं, जो ट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए तो हम बाहें फैला के इंतजार कर रहे हैं. प्लीज डू इट, क्योंकि आपके इन कमेंट्स से ना हमें बहुत एनर्जी मिलती है. दैट्स व्हाई आई से वी लव यू. और मुझे नई टोपी देना, मेरी जो पुरानी बैरेट कैप है वो आपके कमेंट्स की वजह से पड़ चुकी है. सारे कमेंट टोपी को लेकर. एंड समानिया एंड दीपा, व्हाट डू यू वांट टू से? बस हमें देखते रहिए, सुनते रहिए, एंड वी लव यू ऑल. हमेशा सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खिलखिलाते रहिए. बिल्कुल, आप सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन. आज कर रेडियो चुनार.